शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया की तरफ से अवैध मानक पदार्थ बेचने और रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बदरवास थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति बाइक से अवैध मादक पदार्थ स्मैक लेकर चिनोर गांव की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर बदरवास थाना प्रभारी को आगरा मुंबई रोड पर दो व्यक्ति बिना नंबर की बाइक पर आते हुए दिखे। पुलिस ने इनके पास से 82 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 82 ग्राम स्मैक और एक बिना नंबर बाइक जब्त की है। एनडीपीएस के मामले में खासकर जो स्मैक है या नारकोटिक्स ड्रग्स है इसका लगातार निर्देश दिए गए हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो। और इसी तारतम्य में ये सातवीं कार्रवाई है, अभी पिछले 20 दिनों के अंदर में सातवीं कार्रवाई है, जिसमें कि थाना बदरवास में अभी जो है लगभग 82 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है, जिसकी बाजारी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे काफ़ी लोगों को ये पुड़िया बना के इसको सप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो है हैंडलर्स हैं इस मामले में, इसमें कि दो व्यक्ति को, एक शोभन सिंह और एक धर्मेंद्र कुशवाहा, इन दो व्यक्ति को ये जो अपाची गाड़ी से यहाँ पे चिनोर थाने के क्षेत्र से यहाँ आ रहे थे, उनको पकड़ा गया है और यहाँ पे उसके खिलाफ ये जब्त करके कार्रवाई की गई है, गाड़ी जब्त की गई है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिससे इनको अभी थाना प्रभारी इसके रिकॉर्ड देख के इस पर प्रतिनात्मक कार्रवाई, एनएसए वगैरह कार्रवाई से भी करेंगे।